हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मिस्टर एंड मिसेस पुरोहित। आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे चैनल में। तो ये देखिए, डेकोरेशन हो चुका है कंप्लीट। तो तीज पूजा ख़त्म होने के बाद मैं स्कूल आ गई थी और ये वाला स्कूल में आज था डेकोरेशन डे। तो गणपति पप्पा का पूजा कल है, तो हम लोग स्कूल में ये डेकोरेशन किए हैं बच्चे लोग के साथ मिल के। आपको कैसा लग रहा है ज़रूर बताना। और ये आ गई हूँ मैं स्कूल में गणपति पूजा के दिन। तो उस दिन हमारे कुछ मेम्बर्स भी आ चुके थे और स्कूल में सब कुछ यहाँ पे ऐसे झोटी जैसे डालते हैं बच्चे लोग, वो भी कर चुके थे साइड में। तो मैं थोड़ा बहुत ऐसा शूट कर रही थी, उधर भी बहुत बड़े बड़े झोटे दिए थे। ये देखिए, ये हमारे तीनों बच्चे हैं जिन लोगों ने मिलके ये झोटी वोटी सब डाला है, बहुत सुंदर डाले थे। और उसके बाद मैं चली गई रूम में जहाँ पे पूजा हो रहा था। हमारा स्कूल बहुत ही प्यारा है, छोटा सा है लेकिन बहुत ही प्यारा है। और यहाँ पे देखिए पूजा स्टार्ट हो चुका है, पंडित जी आ चुके हैं और जस्ट अभी गणपति जी का फेस खुलने वाला है। आप लोग पूछोगे दो दो मूर्ति क्यों रखे हैं। वो पीछे वाला जो मूर्ति है वो हम स्कूल में रखने के लिए है, मतलब पूरा रखेंगे परमानेंटली। और ये वाला जो है मिट्टी का मूर्ति, ये वाला हम लोग रख मतलब पूजा करके विसर्जित करेंगे। और इसके साथ और एक मूर्ति भी आएगा जो विसर्जित करने के लिए होगा, वो है गणपति जी का एक छोटा सा मूर्ति। हमारे यहाँ के एक मतलब लोकल सर हैं, वो आएंगे लेके छोटा सा मूर्ति, उसको भी मैं दिखाऊंगी बाद में। और ये देखिए वो पूजा करवा रहे हैं गणपति जी का, स्नान करवाते हैं ना फेस खोलने के बाद से, पानी से, उसके बाद पंचामृत से जो जो किया जाता है वैसे कर रहे हैं। हमारा एक क्लास का मतलब 8th क्लास का लड़का वो बैठा था पूजा में। तो ये देखिए गणपति जी कितने प्यारे लग रहे हैं, वो पानी से स्नान करवाने के बाद मतलब जल से स्नान करवाने के बाद ये पंचामृत से स्नान करवा रहे हैं। तो ध्रुवा लेके ऐसे स्नान करवाते हैं। पंडित जी बहुत अच्छे से पूजा कर रहे थे। हम लोग का डेकोरेशन कैसा लगा, बच्चे लोग बहुत मेहनत से किए हैं। तो जो भी है बच्चे लोग किए हैं तो अच्छा लगता है ना, थोड़ा सा गाइड करना पड़ता है। तो सारे बच्चे इधर बैठे हुए हैं पूजा में, एक एक करके एक एक बच्चे आ रहे हैं, नारियल ये वो फूल फल सब लेके। ये देखिए हमारे बच्चे सब कितने क्यूट लग रहे हैं, सब कोई बैठे हुए हैं, मस्त रेडी होके आए हैं सब कोई। तो मैं सोची कि थोड़ा सा शूट कर लूँ, बच्चे लोग मेरे कैमरे में कैद होके रह जाएंगे। तो मेमोरी की तरह हमारी एक टीचर यहाँ पे बैठी थी पूजा के पास, क्योंकि पंडित जी मांगते रहते हैं ना सामान, ये दीजिए वो दीजिए। अभी गणेश जी को ये वस्त्र पहनाया गया देखिए, और यहाँ पर मंत्र पाठ किया जा रहा है। और इसके बाद अभी ये वाला देखिए पैता देंगे, जनेयू जो बोलते हैं ना वही वाला भगवान जी को पहनाएंगे। तो मैं यहाँ पे शूट कर रही थी, उसके बाद मैं थोड़ा सा बाहर गई। तो बाहर चलिए चलते हैं, देखते हैं बच्चे लोग कैसे बैठे हैं। सब कोई और आने लगे थे, बहुत बच्चे एक एक करके आने लगे थे यहाँ पे। और यहाँ पे वो सर देखिए छोटा सा मूर्ति ला के रख चुके हैं, और यहाँ पे वो लड्डू लाए थे बच्चे लोगों के लिए, तो उसको प्रसाद में हम लोग मिला के देंगे। यहाँ पे बच्चे लोग मस्त बैठे हैं, एंजॉय कर रहे हैं पूजा, और यहाँ पे प्रसाद लगाया जा रहा है। तो सारे बच्चे इधर उधर होके, बच्चे लोग तो एक जगह पर बैठना रहा उनसे, इसीलिए वो लोग इधर उधर होके मस्त एंजॉय कर रहे थे। चलिए बाहर थोड़ा घूम के आते हैं, मैं सोची कि अंदर भी थोड़ा दिखा दूँ, कम बच्चे हैं अभी तो, सब कोई बाहर गए हुए हैं। तो यहाँ पे बच्चे सब बैठे हैं, देखिए कैसे कर रहे हैं सब कोई अपना अपना चीज़। और यहाँ पे पूजा चल रहा है, पूजा अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ था, तो हमारे कुछ मेंबर्स लोग भी आके यहाँ पे बैठ चुके हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा शूट कर रही थी, और अभी होगा आरती, सॉरी पहले पुष्पांजलि होगा। यहाँ पे मंत्र पाठ के साथ सारे बच्चे खड़े हुए हैं फूल पकड़ के, मैं भी फूल पकड़ के खड़ी हुई हूँ। मतलब हमारे सारे मेंबर्स, जितने बच्चे हैं, हमारे टीचर्स, हमारे जितने कुक हैं, दो कुक हैं हमारे स्कूल में, वो दोनों आंटी दोनों सबको ऐसे फूल पकड़ के हम लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, मंत्र पाठ हो रहा है। और मंत्र पाठ के बाद पंडित जी बोले कि फूल को मत फेंकना, वो एक जगह पर इकट्ठा करके देंगे, फेंकने से अच्छा नहीं लगता है। देखिए छोटे से गणपति पप्पा भी बैठे हुए हैं, 3 दिन गणपति हो गए हमारे यहाँ पे। तो देखिए सबको यहाँ पे मंत्र पाठ कर रहे हैं ना, सब कोई मिल के वो पंडित जी कर रहे थे, बाकी बच्चे लोग भी यहाँ पे सुन रहे हैं सब कोई। उसके बाद गर्मी बहुत लग रहा था उस दिन, बारिश होगा बोल रहे थे लेकिन बारिश हुआ नहीं, जो गर्मी हुआ उस दिन मत बोलिए, बहुत गर्मी था। तो यहाँ पे सब कोई पसीना पसीना हो गए हैं, लेकिन क्या करें, भगवान जी का ये वाला जो पूजन है वो तो करना पड़ेगा। यही पंडित जी यहाँ पे बता रहे थे, सब कोई फूल मत फेंकना, एक डाला में सब कोई दे दो और थाली में देखिए, और वो लेके सबको एक साथ दे देगा। ये बहुत अच्छा चीज़ है, ऐसे नहीं फेंकना चाहिए, फूल पैर में लग जाता है। और उसके बाद हम बड़े लोग जाके साइड से जाके वहाँ पर चढ़ाए भगवान जी को। तो चलिए सब पुष्पांजलि दे देते हैं पहले यहाँ पे। देखिए बच्चे कैसे कलेक्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छे से लाइनों के सब कोई बाहर जा रहे हैं, और बड़े लोग जो हैं हम लोग जाके यहाँ पे भगवान जी को फूल अर्पित करेंगे।
गणपति पप्पा मोरिया, ये देखिए। तो चलिए अभी बाकी सबको भी छोड़ देते हैं, वो लोग भी फूल अर्पित करेंगे भगवान जी को। बच्चे लोग बाहर चले गए, उसके बाद आरती होगा। और ये देखिए पंडित जी सारा फूल लेके भगवान जी के यहाँ पे समर्पित कर रहे हैं, जो बच्चे लोग दिए थे ना। उसके बाद आरती हो गया, मैं शूट नहीं कर पाई आरती का, और ये आरती लाके सब दे रहे थे। हमारे एक मेंबर हैं, वो लाके सबको इधर उधर नारियल सब भोग के लिए रेडी किया जा रहा था ना, तो उस टाइम पे सब आरती सबको घुमा के दिखा दिए। बहुत अच्छा लगता है गणपति पूजा के दिन, स्कूल में इतने सारे बच्चे आते हैं, सब कलरफुल लगते हैं, बाकी तो यूनिफॉर्म में रहते हैं, लेकिन आज के दिन बच्चे लोग बहुत ही क्यूट लगते हैं, बहुत ही प्यारे लगते हैं। तो यहाँ पे वो आरती दे रहे थे सबको हमारे टीचर्स लोग, फिर हम लोग अभी प्रसाद रेडी करेंगे। और मैं आ गई थी यहाँ पे, मैं हर साल पूजा में एक दिया जलाती हूँ, और हमारे जो तीन बच्चे हैं घर के, तीनों के नाम पे एक एक नारियल मैं चढ़ाती हूँ, तो वही वाला मैं थोड़ा सा एक दिया लगाने आ गई थी, और फिर नारियल भी तीनों के लिए चढ़ाऊंगी। तो माचिस मांगी थी ये, और यहाँ पे ना एक छोटा सा बाबू आया था, वो जो स्लेट से फर्स्ट पढ़ाई करते हैं ना, जो खौड़ी छुआ बोलते हैं, वही वाला करने। और मैं यहाँ पे पंडित जी को सिंदूर चंदन और फूल देके अपने दिया को पूजा करने के लिए रेडी कर रही थी। यहाँ पे मैं दिया रेडी कर चुकी हूँ और भगवान जी का पूजा कर रही थी। और मेरा एक छोटा सा स्टूडेंट है, उसको मैं दे दी थी फ़ोन कि थोड़ा सा शूट कर दो। तो देखिए मैं यहाँ पे पूजा कर रही हूँ, छोटा सा बाबू वहाँ पे खड़ी से फर्स्ट टाइम छू रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है बच्चे लोग जब ऐसे फर्स्ट टाइम छूते हैं, क्योंकि उसके बाद ही उनका पढ़ाई स्टार्ट होता है। तो इसीलिए ये देखिए फर्स्ट पढ़ाई स्टार्ट हो चुका है बाबू का। ये हमारे एक स्टूडेंट है, मेंबर भी हैं, उनका छोटा बेटा है, तो उनके लिए वो किए थे। और यहाँ पे मैं दिया रख दी हूँ, और अभी मैं नारियल एक एक करके सबका यहाँ पे समर्पित कर दूँगी। जीत मीत और रीत तीनों के लिए मैं यहाँ पे नारियल चढ़ाती हूँ। तो बस मैं आई थी नारियल चढ़ाने के लिए, पंडित जी अपना पूजा कर रहे थे तो कम्प्लीट नहीं हुआ था, तो मैं सोची कि चलो मैं भी थोड़ा वेट कर लेती हूँ। हमारी एक टीचर है, वो भी अपने बेटे के लिए ही नारियल चढ़ा रहे हैं, तो मैं बोली कि दीदी मुझे थोड़ा दे दीजिए ना, मैं भी चढ़ाऊँगी नारियल इधर। तो चलिए यहाँ से मैं निकाल लेती हूँ तीनों नारियल को बैग से, और यहाँ से मैं चढ़ाऊँगी। पहले दीदी को छोड़ देते हैं, दीदी जाके नारियल चढ़ा रहे हैं, उसके बाद मैं एक एक करके नारियल और एक फूल लेके चढ़ाऊँगी। तो चलिए अभी मैं अपना नारियल जाके चढ़ा देती हूँ, भगवान जी को समर्पित करती हूँ बच्चों के नाम पे, कि ताकि उनको वो सद्बुद्धि दे, सद्ज्ञान दे, और उनको बहुत सारी मतलब अपने जीवन में सफलता मिले, और जितने भी कठिनाई आए वो सबसे वो लड़ पाएँ, भगवान जी उनको अपने शरण के नीचे रखें। तो भगवान जी के नाम पर मैं ये चढ़ा दी हूँ नारियल, सॉरी मतलब बच्चों के नाम पर भगवान जी के चरण में समर्पित कर दी हूँ नारियल। और अभी हमारा मैं पंडित जी को दक्षिणा दे रही थी यहाँ पे, और उसके बाद चलिए अभी देखते हैं प्रसाद में क्या क्या बनाया आज। तो आज प्रसाद में बना था ये वाला, जो कि चूड़ा और बूंदी और यहाँ पे डिफरेंट टाइप के फ्रूट सब डाल के बनाया जाता है, चीनी वीनी सब डाल के, और बहुत अच्छे से बहुत टेस्टी लगता है। सारे बच्चे बहुत चाव से खाते हैं ये वाला, उनको बहुत पसंद है, तो बच्चे लोग मस्त इन्जॉय करके बैठ के यहाँ पर खा रहे हैं। हम लोग बच्चे लोग को ऐसे बिठा दिए और उनको एक एक करके मतलब दे रहे थे कि ताकि वो लोग खा पाएँ अच्छे से बैठ के, क्योंकि इतना टाइम तक पूजा करने के बाद वो लोग थक जाते हैं ना, और उसके बाद ये वाला प्रसाद खाते हैं तो उनको भी बहुत अच्छा लगता है। स्कूल के बच्चे, बाहर के बच्चे जितने थे सबको हमने प्रसाद दिया यहाँ पे, तो सारे बच्चे यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। हमारे जो टीचर हैं वो देख रहे हैं बच्चे लोग अच्छे से खा रहे हैं या नहीं, उन सबको मिला या नहीं, ऐसे करके बिठा के देने से अच्छा रहता है। तो अभी हम लोग टीचर्स लोग आ गए हैं यहाँ पे प्रसाद भगवान जी को प्रणाम करने के लिए और कुछ फोटोग्राफ्स उठाने के लिए। तो फ्रेंड्स, हमारा स्कूल का गणेश पूजा आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। हम लोग कुछ यहाँ पे पिक्स उठाए थे, वो सब मैं शेयर कर रही हूँ। इसके बाद और भी वीडियो है, आप बिल्कुल मिस मत कीजिए। मिस्टर पुरोहित के स्कूल वाला वीडियो है, मैं उनको बोली थी कि आप थोड़ा सा शूट करके लाना, मैं इस वाले ब्लॉग में दूँगी ताकि वो मेमोरी के हिसाब से रह जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कितना सुंदर दिख रहा है ना, तो हम सब ने फ़ोटो उठाया। हमारे सर लोग भी आए थे ऑफिस से, वो लोग भी दर्शन किए, हम उनके साथ भी फ़ोटो उठाए। तो यहाँ पे सर लोग आए थे, पूजा कर रहे थे, और हम लोगों ने भी उनके साथ फ़ोटो उठाया। और चलिए आगे अभी मैं और भी कुछ पिक्चर्स दिखाती हूँ, और बच्चे लोग क्या बोल रहे हैं आप लोग यहाँ पे देखिएगा, हमारे छोटे छोटे बच्चे लोग, ठीक है। तो देखिए उनका फ़ोटो उठा रही थी, वो लोग क्या बोले चलिए सुनते हैं। मंगल मूर्ति मारिया।
उसके बाद देखिए ये है मिस्टर पुरोहित के स्कूल में, वहाँ पे पूजा भी कंप्लीट हो चुका था और मैं बाद में बोली मिस्टर पुरोहित को कि आप थोड़ा सा वीडियो करके लाना, तो बच्चे लोग यहाँ पे पूरा बैठे हुए हैं, पेरेंट्स लोग भी आए हुए हैं सब कोई, तो उनका पूजा यहाँ पे हुआ था। देखिए गणपति पप्पा मोरिया, भगवान जी सबको आशीर्वाद दें, सब जितना भी सबका कष्ट है वो हरण करें, सब लोगों को आशीर्वाद दें, बच्चे लोगों को अच्छा पढ़ाई दें, सद्बुद्धि दें, यही कामना है। उनके भी सारे टीचर्स लोग आए हुए थे, तो यहाँ पे सब कोई फूल वूल लाए थे ना, तो वो गणपति पप्पा को वो लोग समर्पित कर रहे थे। देखिए कितने सुंदर दिख रहे हैं पप्पा, पप्पा जिस भी रूप में हो बहुत ही क्यूट लगते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं। मेरे को तो पप्पा का सारा मूर्ति ही बहुत अच्छा लगता है, पता नहीं इतने क्यूट क्यों लगते हैं, पप्पा हैं ही क्यूट, है ना। और उनके यहाँ पे भी हमारे यहाँ पे जैसे प्रसाद बना था वैसे ही प्रसाद बनाया गया था और बच्चे लोग लाइन करके लेके जा रहे थे सब कोई। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर बताना, अगर अच्छा लगा लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। गणेश पूजा का छोटा सा ब्लॉग है, हमारे स्कूल में हमने कैसे सेलिब्रेट किया, आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगा होगा। बब्बा का पर्व जो है इस बार ख़त्म हो गया है, नेक्स्ट टाइम फिर से आएगा, हम लोग फिर से मनाएंगे और फिर से ब्लॉग बनाएंगे, तो आप लोग को अगर अच्छा लगा ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो गणपति पप्पा मोरिया ज़रूर लिखिएगा, मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। हमारे स्कूल के जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं बहुत ही क्यूट हैं, बहुत अच्छा लगता है उनके साथ टाइम स्पेंड करके। आप लोग के पास भी अगर गवर्नमेंट स्कूल है आप लोग जाओ टाइम स्पेंड करो। गणपति पप्पा मोरिया, इसी के साथ मैं आज का ब्लॉग को कंप्लीट करती हूँ। बाय फ्रेंड्स।